आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। विकास भवन सभागार में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन। 16 जून 2022 को विकास भवन सभागार में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री नीतीश कुमार मानी ने मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बिहार के सभी जिले, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन का देखरेख स्वयं करें। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा बताया गया कि समाज में नशाबंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु लोगों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के सभी घरों में इस बात को पहुंचाया कि शराब कितनी बुरी चीज है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज एवं स्वच्छता दोनों ही बापू के चिंतन के प्रमुख बिंदु थे। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शराबबंदी पर विस्तृत चर्चा की गई एवं नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से ग्राम के विकास पर भी चर्चा की गई। जिले में कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी उदयन मिश्रा प्रसेक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त अवसर जिलाधिकारी, जिला पदाधिकारी ने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया ताकि पंचायती राज के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला सके। किसी भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को कार्य करने में कठिनाई हो तो हम सभी विकास कार्य पूरा करने में सहयोग करेंगे एवं जो भी उत्पन्न होने वाली समस्या को दूर करेंगे। राज्य मुख्यालय से सीधे इस लाइव वेबकास्टिंग में जिला परिषद उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, नगर निगम, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला स्थापना उप समाकर्ता, जिला नजारत उप समाकर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ सभी जिला परिषद ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कटिहार से रूपेश मिश्रा की रिपोर्ट। पूरे राज्य में उनको एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एड्रेस किया जा रहा है, उसको कोशिश की जाती है कि सही प्रकार से धरातल को उतारा जाए, किंतु योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं, वो सही प्रकार से 100% रूप में उन लोगों तक पहुंच रही है। इसके अलावा जितने हमारे 231 पंचायत में वहाँ भी जो कास्टिंग की व्यवस्था की गई है वहाँ भी हो रहा है। उद्देश्य यही है, जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो पूरे विकास, पूरे पंचायती राज व्यवस्था के विकास में जो एक महत्वपूर्ण हमारा एक अंग है, माध्यम है, उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ कैसे जुड़ा जाए, वो कैसे जुड़े और अन्य विभागों के साथ जो कन्वर्जेंस अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।